ये एक बहुत ही प्यारा बच्चा है, नैतिक में हमारी कोई मदद लगती है तो हम हर तरीके से मदद करने को तैयार हैं। उसकी तमन्ना थी कि मेरे बच्चे डॉक्टर बने। अब वो महिला बच्चे को पार्क में लेकर के नहीं जाती घूमने के लिए, वो डॉक्टरों से मिलवाने के लिए जाती है। दो बच्चे। ये एक बहुत ही प्यारा बच्चा है, नैतिक। इसकी कहानी ये है कि इसके फादर नहीं हैं और इसकी मदर जो है वो ऑटो रिक्शा चलाती हैं। पहले काफ़ी इनको पैसे का प्रॉब्लम था। गनेडीवाल जी के ट्रस्ट से इनको एक ऑटो प्रदान किया गया जिसके माध्यम से ये अपनी आजीविका चला रही हैं और आज बच्चे को पढ़ा रही हैं। बीच बीच में कई बार ये मेरे पास बच्चा आता है और इसकी माँ चाहती है कि ये बच्चा डॉक्टर बने। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है। इस तरह से मेहनत करके एक महिला जो महिला सशक्तिकरण का एक जीवित उदाहरण है, अपने बच्चे को पढ़ा रही है और पढ़ा के डॉक्टर बनाना चाहती है, इस समाज में सबके बराबर खड़ा करना चाहती है। हमें लगता है हम सबको इसमें गनेडीवाल ट्रस्ट की तरह मदद करनी चाहिए और मेरा भी पूरा प्रयास है कि इस तरह के बच्चे अगर उसमें हमारी कोई मदद लगती है तो हम हर तरीके से मदद करने को तैयार हैं। विधवा हो गई, बच्चों की पढ़ाई छूट गई, लेकिन उसकी तमन्ना थी कि मेरे बच्चे डॉक्टर बने। उसने जब पैसा कमाना शुरू किया, अब वो महिला बच्चे को पार्क में लेकर के नहीं जाती घूमने के लिए, वो डॉक्टरों से मिलवाने के लिए जाती है। वो उस बच्चे को बताती है कि देख बेटा, तेरे को भी एक दिन ये डॉक्टर बनना है। कहीं ना कहीं उस महिला की कोशिश है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने। ये बदलाव बहुत सारी महिलाओं में आया है, क्योंकि हमारा ट्रस्ट ये भी देखता है और हमारे ट्रस्ट की हर महीने एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में जिन महिलाओं को हमने रिक्शा दिया है हम उनसे हर महीने बात करते हैं। उस समय सिर्फ ये बात नहीं करते कि आप कितना पैसा कमा रही हैं, आपको तकलीफ है कि नहीं है, हम ये भी समझते हैं कि आपके बच्चे अब क्या कर रहे हैं और ट्रस्ट उनको गाइड भी करता है कि अब आपके बच्चों को आपको किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। नैतिक की अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए गनेडीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ डॉक्टर भी तैयार, लेकिन गनेडीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट की सोच रही कि माँ यशोदा और नैतिक का ये सपना स्वाभिमान के साथ पूरा हो सके। ट्रस्ट ने इसकी तरकीब निकाली और ट्रस्ट बुलाकर माँ यशोदा से चर्चा की, समझाया बुझाया। ट्रस्ट की काउंसलिंग के बाद बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए माँ किस्मत खोलने वाली चाबी लेने तैयार हो गई। फिर क्या, ई रिक्शा के साथ यशोदा ने भर ली सपने पूरा करने की उड़ान। दरअसल माँ यशोदा के सपनों की जानकारी गनेडीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट को तब लगी जब ट्रस्ट के सदस्य जरूरतमंद महिलाओं की खोज खबर करते हुए यशोदा तक पहुँचे। ट्रस्ट के सदस्यों ने इसकी जानकारी ट्रस्ट के चेयरमैन प्रदीप गनेडीवाल को दी। फिर क्या, ऐसा रास्ता निकाला गया कि माँ यशोदा का सपना भी पूरा हो सके और उसका बेटा स्वाभिमान के साथ अच्छी पढ़ाई भी पूरी कर सके। ये विधवा महिलाएं या जिन
महिलाओं के सपने पूरा करने के लिए गनेडीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट सशक्त माध्यम बना है। दरअसल गनेडीवाल ट्रस्ट बेसहारा और जरूरतमंद महिलाओं का मददगार है। ट्रस्ट ऐसी महिलाओं की खोज खबर कर उन्हें स्थायी इनकम के अवसर उपलब्ध कराता है। इसी कड़ी में यशोदा जैसी अनेक महिलाओं को ई रिक्शा देकर उनकी जिंदगी बदल डाली है। ट्रस्ट सिर्फ ई रिक्शा देकर किसी तरह की खाना पूर्ति नहीं करता, बल्कि ई रिक्शा न सिर्फ इन बहनों को ऑटो रिक्शा दिया है, ट्रस्ट ने इन ऑटो रिक्शा में एक जीपीएस सिस्टम लगाया है और हमारे ट्रस्ट का एक आदमी रोज एक घंटे शाम को उस जीपीएस सिस्टम पर बैठ करके ये देखता है कि कौन सी महिला ने कितने किलोमीटर कहाँ कहाँ पर ऑटो रिक्शा चलाया है। अगर दो तीन दिन उसका ऑटो रिक्शा खड़ा रह जाता है या बहुत कम चलता है तो उसको फ़ोन करके पूछा जाता है कि क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या उसे कोई परेशानी है, क्या उसका ऑटो ख़राब हो गया है, क्यों उस ऑटो रिक्शा को चला नहीं पा रही है। तो एक डेली मॉनिटरिंग सिस्टम ट्रस्ट द्वारा क्रिएट किया गया है जिससे उन जो उन महिलाओं के साथ एक संवाद होता है और उसकी वजह से अगर उन्हें कोई परेशानी हो तो ट्रस्ट उस परेशानी को हल करने की भी कोशिश करती है। महीने में एक मीटिंग ट्रस्ट द्वारा इन सभी बहनों के साथ की जाती है जहाँ पर अगर कोई भी उन्हें दिक्कत आ रही हो, ऑटो के मेंटेनेंस में कोई दिक्कत आ रही है, जिसमें हमने ये बजाज के ऑटो लिए थे और महिंद्रा के ऑटो लिए थे और हम उनसे भी उनके सप्लायर को उनके टेक्निकल लोगों को भी साथ में रखते हैं कि अगर महिलाओं को कोई भी ऑटो रिक्शा में दिक्कत आ रही हो तो उसका हल किया जा सके। तो ये ट्रस्ट द्वारा सिर्फ ऑटो रिक्शा दिया नहीं गया, उस ऑटो रिक्शा की और उन लोगों की बराबर एक मॉनिटरिंग सिस्टम क्रिएट किया गया ताकि यह प्रोग्राम सक्सेसफुल हो और जिस उद्देश्य से उनको ऑटो रिक्शा दिया गया है वो उद्देश्य पूरा हो। माँ यशोदा की रियल कहानी किसी रील कहानी से कम नहीं थी। शादी हुई गाँव में, लेकिन पति की मौत के बाद यशोदा को ससुराल वालों ने एक बेटी और एक बेटे के साथ घर से निकाल दिया। ससुराल रूठा तो रूठा, लेकिन मायके का भी साथ नहीं मिला और किसी तरह की दुखियारी माँ बच्चों को लेकर पहुँची मंदसौर। यही मंदसौर में मजदूरी कर बच्चों का पेट पालने लगी। शहर में दिन भर मजदूरी का काम, लेकिन बच्चों के लिए सपनों की उड़ान, यही माँ यशोदा की दिनचर्या बन चुकी थी। लेकिन थक हार कर दिन भर पसीना बहाने के बाद दिन में मात्र इतना ही कमा पाती थी कि जैसे तैसे दो जून की रोटी ही नसीब हो पाती थी। कुछ नहीं, सपोर्ट नहीं, ना उधर से सपोर्ट है सास ससुर का, ना अपने माँ बाप का है, किसी का ही नहीं है। पहले लोगों के यहाँ मजदूरी करते थे, महीने के 700 रुपये देते थे। उसके बाद हमने धीरे 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 पता ये करके घर चलाया। बहुत मुश्किल से, खर्चा भी मामूली बात नहीं है, सिटी में रहना भी। फिर वहाँ से गांव से आई, मैं गाड़ी का फॉर्म भरा और 15 दिन बाद फिर सीखने गए। फिर 3 महीने बाद ऑटो मिला हमें। मतलब ऑटो मिलने के बाद अपने यह है कि अपने किसी की दबाव में नहीं रहना पड़े, किसी की अपने अपने मर्जी से अपने कुछ भी कमाओ, अपने मन पड़े इतनी देर गाड़ी चलाओ, उसके बाद घर आ जाओ, बच्चों को छोड़ दो स्कूल, खाना बना के इनको खिला के स्कूल तैयार करके भेजना। पहले यही 100-150 रुपए रोज के, अभी हो जाते हैं 500 रुपए। ई रिक्शा की चाबी मिलने के बाद अब यशोदा के साथ उसके बच्चों के दिन बदल गए हैं। अब सुबह सुबह काम पर जाने की मजबूरी भी छूटी
तो बच्चों को तैयार कर स्कूल छोड़ने का समय भी मिलने लगा। आमदनी बढ़ी तो बच्चों के पास नई स्कूल